जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा। बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। आदिवासी गोवारी समाज ने फूका भाजपा नेता राजेश पाठक का पुतला। गोवारी समाज ने भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताए जाने से किया इनकार। मंदिर निर्माण को लेकर उपजा विवाद। फ्लैट मालिक ने जताई आपत्ति। वार्ड पार्षद ने कहा पूजा पाठ के लिए किया जा रहा था अस्थायी निर्माण। बालाघाट रेलवे स्टेशन यार्ड में टूटा इलेक्ट्रिफिकेशन वायर। दो ट्रेनें हुई प्रभावित। एक घंटा विलंब से चली ट्रेनें। 7070 क्विंटल रखा है गेहूं, लेकिन नहीं किया जा रहा 6 माह से राशन दुकानों में वितरित। मामला लालबुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बकोड़ा स्थित कृषि उपज मंडी का। महिला मेटो को नहीं लिया जा रहा है काम पर। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर महिला मेटो ने मदद की लगाई को। बारासोनी झंपा पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में नियुक्त की गई मेट महिलाएं महिला मेट संगठन के माध्यम से मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर महिला मेटों को काम पर लिए जाने की गुहार लगाई। आपको बताएं कि महिला मेटों को शासन के द्वारा ही मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्य को करने के लिए लिया गया है। एक पंचायतों में 5 मेटों को लिया गया, जिसके चलते महिला मेट ग्राम पंचायत में होने वाले मनरेगा के कार्यों की पूरी निगरानी शासन के कर्मचारी के रूप में कर रही थी। लेकिन कुछ पंचायतों ने महिला मेटों को सरपंच के द्वारा कार्य पर नहीं लिया जा रहा है, जिससे महिला मेटों में काफी आक्रोश व्याप्त है। बारासोनी क्षेत्र की बात करें तो यह समस्या करीब एक दर्जन ग्राम पंचायतों में सामने आ रही है। उन पंचायतों की महिला मेट संगठन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उनकी मांग का निराकरण नहीं किया गया तो उनके द्वारा विरोध प्रकट किया जाएगा। सर, शुरुआत से ही मेरे को सरपंच और सचिव ले नहीं रहे हैं। मेरे को 4 बार जा चुकी सरपंच के पास, मैं पंचायत में तो सरपंच कुछ नहीं कह सकता, ऊपर तक के भी जाएगी तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तू मेरे पार्टी की नहीं है और मेरे को वोट नहीं दी है, इसलिए मैं तेरे को ले नहीं सकता, क्योंकि मैं ग्राम पंचायत में अपने राज्य में मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, इसका तू भंडा खोल सकती है। अच्छा, कहाँ से भर्ती हुई थी आप लोग की? स्व सहायता समूह से शासन ने की थी हमारे। शासन ने भर्ती, फिर वो क्यों निकाल सकते हैं आपको? हमको निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन सर अपने कार्यकाल में हम काम नहीं देते कहते हैं सर, क्योंकि आप हमारी जो हम तू पार्टी भी हमारी पार्टी की नहीं है, क्योंकि सत्ता में नहीं है, क्योंकि अपने सत्ता में तुमको ये, क्योंकि मैं जो भी पंचायत में काम करूंगा वो मेरा तू भांडा खोल सकती है। वो क्या है, अभी नव निर्वाचित सरपंच बने हैं और सरपंच लोग मतलब सब अपने हिसाब से है, पर ऐसी तो अभी अपने पास में 50-60 महिलाएं हैं। एक पंचायत से 5 महिला मेट की भर्ती। बकेरा पंचायत है, खापा पंचायत है और अंसेरा पंचायत है, दीनी पंचायत है और पुनी पंचायत है। लगभग कितनी पंचायतों की महिलाओं में? लगभग कम से कम 10-12 पंचायत। क्यों निकाले हैं, क्या कारण लग रहा है आपको? राजनीतिक अपनी मतलब सत्ता ये कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि शासन ने हमारी भर्ती करी है और शासन के निर्देश अनुसार हमारी भर्ती करी है, कोई सरपंच सचिव ने हमारी भर्ती नहीं की है। तो हम ग्रामीण क्षेत्र की महिला है और हम मनरेगा योजना से स्व सहायता समूह की महिला की मतलब नियुक्ति की गई है, तो हमारी स्व सहायता समूह की महिला को मनरेगा योजना कार्य में हमको मतलब लाभान्वित करना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के नाम विभिन्न प्रमुख मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महासचिव रामदास ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी भारत बंद को लेकर कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन सौंपने आए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रमुख मांग है ओबीसी को 52% आरक्षण दिया जाए। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की बातें भी रखी गई। वर्ष 1931 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना नहीं हुई तो जनगणना की जानी चाहिए एवं ईवीएम हटाई जाए तथा पुरानी पेंशन बहाल की जाए, सहित अन्य मांगे शामिल है।
बैयर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचायत करवाही के लोग कलेक्टर कार्यालय में लगने वाली जनसुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी परेशानी को रखते हुए सर्वे सूची में उनका नाम डाले जाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्राम करवाही निवासी इंद्रलाल करपेती ने बताया कि उनकी आवश्यक जमीन है, इसके बावजूद भी सर्वे सूची में उनका नाम नहीं है। जिन लोगों के कब्जे में जमीन नहीं है उसके बावजूद भी उनका नाम सर्वे सूची में दिखा रहा है, जबकि उनकी जमीन होने के बावजूद भी सर्वे सूची में नाम दर्ज नहीं किया गया। उन्हें मकान बनाना अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए उनके द्वारा सर्वे सूची में नाम दर्ज कराने का प्रयास लंबे समय से किया जा रहा है। जमीन के पट्टे के लिए आवेदन लगाए गए थे लेकिन सर्वे सूची में नाम नहीं होने के कारण फार्म स्वीकृत नहीं हो रहा है। इस समस्या का समाधान किए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई। रामपाली थाने के रामपाली खैलांजी मार्ग पर 28 नवंबर की शाम को सड़क हादसे में 75 वर्षीय बुजुर्ग घनश्याम पटले की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब घनश्याम अपने घर वापस जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक घनश्याम पिता शद्दूलाल पटले उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत बिठली, जो 28 नवंबर को अपने परिचित के घर ग्राम कस्बी टोला में 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया हुआ था, जो वहां से शाम को वापस अपने घर बिठली जाने के लिए साइकिल से निकला था। जैसे ही वह रामपैली खैलांजी मार्ग पर पहुंचा तो खैलांजी से वाराशुनी की ओर जा रही सफ़ेद कलर की स्विफ्ट डिजायर कार ने साइकिल सवार घनश्याम पटले को जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। तत्काल ही आस पड़ोस के लोगों के द्वारा घटना की जानकारी डायल 100 व 108 संजीवनी एम्बुलेंस को दी, जिनकी मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपैली में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूरभाष पर चर्चा करने पर SI राजीव चचक ने बताया कि साइकिल से घनश्याम पटले उम्र 75 वर्ष घर जा रहे थे, तब सफेद स्विफ्ट डिजायर कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। उक्त मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। कार चालक और कार वारासिवनी की है, जिसे संबंधित व्यक्ति से चर्चा हुई और उन्हें थाने में बुलाया गया है। वर्तमान तक कार का नंबर और मालक एवं चालक की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, मर्ग जांच की जा रही है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मोगा धपेरा स्थित महात्मा फूले मंच बाजार चौक में जिला माली फुलमाली समाज सेवा संगठन के तत्वावधान में महात्मा ज्योतिबा फूले की 132वीं पुण्यतिथि हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल से दोपहर में DJ की धुन पर कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई, जो ग्राम के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। इस शोभा यात्रा में महात्मा ज्योतिबा फुले व माता सावित्री फुले की जीवन झांकी आकर्षण का केंद्र रहे, जिसके बाद शाम 6 बजे से मंची कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने महात्मा ज्योतिबा फुले व माता सावित्रीबाई फुले के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को अतिथियों के हस्ते पुरस्कार वितरण किया गया। नगर के वार्ड नंबर 28 मयूर नगर में गणपति मेमोरियल हॉस्पिटल के पास स्थित सड़क पर ही वहां की महिला मंडल के द्वारा पूजन अर्चन के लिए मंदिर निर्माण किया जा रहा था, जिस पर समीपी प्लाट वालों के द्वारा आकर आपत्ति जताई गई, जिससे वहां विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। तत्काल इसकी सूचना कोतवाली थाने में दी गई, जहाँ से 100 डायल पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और वहां हो रहे मंदिर के निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। आपको बताया कि वार्ड नंबर 28 में जहां यह मंदिर बनाया जा रहा था, वहां पास में कुछ लोगों के प्लाट थे। उनका कहना था कि अगर यहां मंदिर निर्माण हो जाता है तो उनके प्लाट में आने जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा, जिसके चलते प्लाट मालिक द्वारा पहुंचकर मंगलवार की दोपहर में करीब 12:30 बजे आपत्ति जताई गई और निर्माण कार्य को रोके जाने के लिए कहा गया। लेकिन वहां के लोग जिनके द्वारा मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा था, वे सहमत नहीं हुए, जिसके कारण पुलिस अमले तक को बुलाना पड़ गया।
महिला मंडल और फ्लैट वालों के बीच मंदिर निर्माण को लेकर काफी गर्मा गर्म बहस भी हुई। विवाद को देखते हुए वार्ड नंबर 28 की पार्षद श्रीमती संगीता खगेश कावरे भी मौके पर पहुंची, साथ ही वार्ड के नागरिकगण भी पहुंच गए। हालांकि विवाद होने के बावजूद भी वहां तत्काल में हो रहे निर्माण कार्य को रोक दिया गया। जहां तक मंदिर की बात है तो वहां पूजा पाठ का पूरा कार्यक्रम होने के बाद उस मंदिर को अन्यत्र स्थापित किए जाने की बात कही जा रही है। आपत्ति जता रहे प्लाट के मालिक राजा कुकरेजा ने बताया कि दो दिन पहले जब वे यहाँ आए थे तो कच्चा निर्माण था। कहा गया था कि पूजा पाठ के लिए मोहल्ले वालों के द्वारा अस्थायी रूप से 30 तारीख तक के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है, अभिषेक हो जाएगा तो सब हट जाएगा। अब चारों तरफ उसे पक्का बना रहे हैं, ऊपर से धमकी दे रहे हैं, यहाँ मंदिर निर्माण से उनके प्लाट को आने जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। अभी ईंटे की जुड़ाई कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि कच्चा बना रहे, रोड में कैसे मंदिर बनाया जा सकता है, हमें प्लाट के पास मंदिर नहीं चाहिए। नाम से प्लाट है, मैं दो दिन पहले आया था तो कच्चा बना रहे थे। मैंने बोला क्यों बना रहे, तो बोले पूजा पाठ है मोहल्ले वालों की, 30 तारीख को अभिषेक हो जाएगा तो यहाँ से सब हट जाएंगे। मैंने ठीक है, आज दो दिन में आया हूँ तो पूरी बाउंड्री खड़ी कर रहे हैं चारों तरफ, ऊपर से धमकी दे रहे हैं, संजू खंडेलवाल धमकी दे रहे हैं, पार्षद महोदय धमकी दे रहे हैं कि देखो मार डाल, देखते हमको कौन रोकता है यहाँ करके। तो किसी की मनवा नहीं, प्लाट मेरा रास्ता बंद कर दोगे आप आने जाने का, जहाँ मेरा प्लाट है वहाँ से आने जाने का मेरा रास्ता बंद कर दोगे आप, मंदिर बना दोगे कहीं पर भी, कोई सूचना नहीं दोगे, कुछ नहीं करोगे, कोई किसी का आदेश नहीं है। और ईंटे की जोड़ाई कर रहे हैं, मेरे को बोलते हैं हम कच्चा उठा रहे हैं करके, एक महीने में हट जाएगा। मेरे को दो दिन पहले बोले 30 तारीख को हट जाएगा, अभी बोलते हैं एक महीने में हट जाएगा ऐसा, और जबरदस्ती की धमकियां दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, महिला को लाके खड़े कर रहे हैं साथ में। अच्छा भी ये तो रोड है, रोड पे फिर अचानक कैसे, कोई तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक कैसे कैसे रोड पे कोई मंदिर बन जाता है क्या। अच्छा आप लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? नहीं, मेरे प्लाट के सामने को नहीं चाहिए, मेरे आने जाने की रास्ता है, मैं कहाँ से आऊंगा जाऊंगा, मंदिर बन जाएगा तो मेरे को और बाकी कोई भी बात नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं किसी चीज से। मेरे प्लाट के सामने मेरे को मंदिर नहीं चाहिए, मैंने खरीदा हूँ प्लाट, कोई मेरे कब्जा थोड़ी नहीं किया हूँ जमीन पे, ये तो जबरदस्ती का कब्जा कर रहे हैं और ऊपर से धमकी दे रहे हैं यहीं बनेगा करके। हम ये महिला मंडल अनुष्ठान कर रहे थे शिव जी का, और इसके लिए हमने जिला उद्योग से हमने जमीन के लिए कर दिया है, इसके लिए टाइम है। तो हम क्या पूछ का, अब ये अघन का महीना खत्म हो जाएगा, उसके बाद पुष्ट लग जाएगा, इसलिए हम ये पूजा पाठ कर करके इसको स्थापित कर ली, फिर इसको उठा के हम वहाँ स्थापित करने वाले हैं। अच्छा जी, ये सर इनसे जो परसों नरसों के दिन जो प्लाट वाले उनसे बात हो गई थी, क्या बात हुई थी आप लोग की? उन्होंने की भाई हाँ कर सकते हो करके। अच्छा उनका कहना है कि आप लोग ने तीन दिन के लिए कहा था कि हम लोग पूजा पाठ अभी से नहीं, ऐसी बात नहीं हुई थी। अब देखो उनको, अच्छा जैसे कि प्लाट वालों का कहना है कि उनका बाजू में प्लाट है, ये अगर मंदिर बन जाता है तो उनको आने जाने की दिक्कत हो जाए। बोल रहे हैं ना भाई, हम पूजा करने के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे थे उसके सामने का, तो फिर उसके बाद में हट जाएगा ये पूरा। अब तक पूरी यहाँ पे कचरा डस्टबिन पूरा पहाड़ बना हुआ था कचरा पूरा, क्योंकि इधर की रोड नहीं थी, पूरा खाली प्लाट था, तो पूरा यहाँ से जाना जाना ही बनता, क्योंकि मेन रोड तो इधर से सीधे जाने की थी, तो उसको भी उन लोग प्लाट ब्लॉक कर लिए। फिर हर कोई ब्लॉक करते जाता है, तो हमने थोड़े दिन के लिए कर लेते, उसको उठा करके हमने वहाँ के लिए बोल दिया है। लेकिन फिर भी जैसे रोड है, रोड पे ही मंदिर निर्माण या जैसे भी है, इसको अन्यत्र जगह भी कर सकते थे। देखो हमारी ये महिला मंडल, हम दो ही गली के थे, हम इतने गली के, बस इतना वो पूजा के लिए पर थोड़ा से दिन के लिए कर रहे हैं, बाकी हम उसको उठा के बाहर स्थापित करने वाले। अच्छा अभी अब आप लोग क्या चाहते हैं, जैसे कि इसका निर्माण रोक दिया गया है, अब आगे की क्या प्रोसेस रहेगी इसमें? अब आगे की प्रोसेस, अब आप लोग इसको मंदिर को यहीं रखेंगे या फिर हटा लेंगे, क्या चाहेंगे करेंगे इसमें? अब हटाने की बात ही छोड़ी ना भैया, फिर बात की और क्या, जो बात बोल रही हूँ वही तो बोल रही हूँ। विवाद तो खत्म हो जाएगा, आप हटा देंगे बोल रहे हैं और वो हटा लो बोल रहे हैं। अभी नहीं हटेंगे, अभी तो नहीं हटेंगे, और जो अभी बैठे वो तो उनको तो नहीं हटाएंगे, बस वो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मना किया, अभी तो नहीं बना रहे। ये फिर कब तक रहेगा ऐसा? अभी तो है, अभी रहेगा, अभी है, अभी सवा महीने डेढ़ महीने। मंगलवार को कटंगी तुमसर मुख्य सड़क मार्ग पर ग्राम सावरी के पास एक भीषण कार सड़क हादसा हुआ। यह सड़क पर चलती कार सड़क से उतरकर नीचे खेत में जा घुसी। हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें कटंगी के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें नागपुर रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम वरु निवासी करण बसेन और कोमल शरणागत तुमसर की ओर जा रहे थे। इस दौरान सावरी के पास एक दुपहिया वाहन चालक के गलत संकेत देकर वाहन को मोड़ने और इस दुपहिया सवार को बचाने में उनकी कार सड़क से नीचे उतर गई और खेत में चले गई। घटना की सूचना मिलने पर EMT महेंद्र रहांगडाले और पायलट जयेश चौहान मौके पर पहुंचे, जिन्होंने दोनों ही घायल युवकों को उपचार के लिए कटंगी अस्पताल लाकर भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद दोनों ही युवकों को रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें उपचार के लिए नागपुर लेकर गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों युवक कार में बड़ी नकदी रकम लेकर कहीं जा रहे थे। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को अभिरक्षा में लेकर थाने ला लिया है।
जलवा पंचायत किन्नापुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम खोलमारा के लोग मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए शासकीय प्राथमिक शाला परिसर की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराए जाने की मांग की। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्राम खोलमारा के पूर्व सरपंच लखन लाल ने बताया कि ग्राम खोलमारा में शासकीय प्राथमिक शाला है और आंगनवाड़ी एक ही जगह पर है। शाला परिसर में बच्चों के खेलकूद करने के लिए शासकीय जमीन को शाला परिसर के लिए प्रस्तावित करके रखा गया, लेकिन ग्राम के कुछ लोगों के द्वारा शाला परिसर की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण करने वालों को समझाया गया, लेकिन वह गाँव के लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, जिसके चलते ग्राम में असंतोषजनक माहौल पैदा हो रहा है। यही कारण है कि ग्रामवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सभी के द्वारा शाला परिसर को अतिक्रमण मुक्त किए जाने की मांग की जा रही है। मेरा नाम लखनलाल लांकर है। ग्राम पंचायत पौनी के अंतर्गत ग्राम खुलमारा के निवासी हैं। हम सभी क्या समस्या लेकर आए थे? हमारे ग्राम में शासकीय प्राथमिक शाला आंगनवाड़ी एक ही जगह पर है। प्राथमिक शाला के शाला परिसर में जो भूमि है उस पर एक दो लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है मकान के लिए। उस संबंध में कलेक्टर साहब के यहाँ आए। कितना अतिक्रमण अभी तक? लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बकोड़ा स्थित कृषि उपज मंडी प्रांगण में पीडीएस वितरण का लगभग 7,070 क्विंटल गेहूँ पड़ा हुआ है। बावजूद इसके कि प्रशासन के द्वारा विगत 6 माह से गरीबों को उचित मूल्य की दुकानों से गेहूँ का वितरण नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में गरीब मजदूरों को बाजारों से महंगे दामों में गेहूं व आटा खरीदना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन के द्वारा राशन कार्ड धारियों से कहा जा रहा है कि गेहूं आगे से ही नहीं आ रहा, इसलिए वितरण नहीं कर रहे, जबकि शासन के द्वारा रवि सीजन में गेहूं व चना की खरीदी की गई थी, जिसे मंडी प्रांगण में रखा गया था, परंतु वेयर हाउस के द्वारा वर्तमान समय तक सोसाइटियों को गेहूं आवंटित नहीं किया गया, जो डंप रखा हुआ है। 28 नवंबर से कृषि उपज मंडी बकोड़ा में वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति लालबर्रा व मिरेगांव के द्वारा संयुक्त रूप से समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जा रही है, परंतु मंडी प्रांगण में पीडीएस का करीब 7,070 क्विंटल गेहूं डंप होने के कारण धान खरीदी करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समिति के धान खरीदी प्रभारी के द्वारा उच्च अधिकारी को कृषि उपज मंडी प्रांगण में डंप गेहूं को अन्य स्थान पर किए जाने की मांग की गई है, ताकि धान खरीदी करने में हो रही परेशानियों से निजात मिल सके। गेहूं को लेकर ये स्थिति की मुझे जानकारी लगी कि बकोड़ा में जो मंडी में 7,500 क्विंटल गेहूँ वहाँ पर पीडीएस द्वारा रखा गया है। गरीबों का निवाला जो है 6-7 महीनों से सरकार ने वहाँ बंदिश बना के रखी है। गेहूँ का वितरण नहीं हो रहा है, वितरण नहीं हो पा रहा है सोसाइटी में। किस तरह से परेशानी होती है, गेहूं नहीं मिल रहा है? किसी के नाम से प्रख्यात है हमारा जिला बालाघाट, किसी क्षेत्र है, यहाँ पर दो दो मंत्री हैं दर्जा प्राप्त जी, इसके बाद भी क्यों नहीं मिल रहा? बीजेपी शासन में ये स्थिति हो गई है कि गरीबों का मुंह का निवाला छीना जा रहा है। तो शासन प्रशासन से मेरी ये मांग है कि जल्द से जल्द जो बकोड़ा मंडी में पीडीएस के द्वारा रखा गया गेहूं है उसको गरीबों को बांटा जाए राशन के। जैसे अभी नहीं वितरण किया जा रहा है 4-5 महीनों से, तो किस तरह से परेशानी हो रही है? परेशानी इस बात की हो रही कि गरीबों में जो गेहूं मिलता था, जो 1-2 रुपए किलो का जो गेहूं मिलता था, वो बेचारे बिचौलियों के पास 25-30 रुपए में मिल रहा है, महंगे दामों में मिल रहा है। तो जो गरीब है कहाँ से ले लेगा? इसमें ध्यान दे शासन प्रशासन ने जो डंप पड़ा हुआ है उसका वितरण होना चाहिए, जो डंप पड़ा हुआ है उसका वितरण होना चाहिए। यहाँ पे गेहूँ रखा हुआ है अपने मंडी में, कितने कुंटल रखे हैं यहाँ पे? है पीडीएस का है 490 मेट्रिक टन और पीएसएस का है 277। जैसा इतना रखा हुआ है तो फिर वितरण नहीं किया जा रहा क्या है? अभी वितरण का तो ऐसा है कि अपने को कोई आदेश नहीं है, तो अभी यहीं से वितरण नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो अभी सोसाइटी खरीदी के लिए आई हुई है तो वो मतलब बोल रहे हैं कि मतलब यहीं पे दिक्कत होगी हमको खरीदी पे, तो वेयर हाउस को अवगत करवाए तो हमने उन्हें यही बोले कि भाई ऑफिस से आप बात कर लें कि माल कब उठ रहा है नहीं उठ रहा है। तो आप ये देख रेख करते हैं? हाँ, हमारा काम खाली देख रेख।
आदिवासी गोवारी समाज को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताए जाने से गोवारी समाज के लोगों में समाजसेवी राजेश पाठक के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया। आदिवासी गोवारी समाज संगठन के पदाधिकारियों ने मंगलवार की दोपहर में स्थानीय कालीपुतली चौक में एकत्रित होकर समाजसेवी राजेश पाठक का पुतला फूका और आक्रोश जताते हुए राजेश पाठक के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराने की बात भी कही। गोवारी समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि 23 नवंबर को वारासणी विधानसभा के नवेगांव खैर में गोवारी समाज के कार्यक्रम में समाज सेवी राजेश पाठक सम्मिलित हुए थे, जिसमें उन्होंने अपना उद्बोधन देते हुए गोवारी समाज को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताया था, जबकि गोवारी समाज श्री कृष्ण का वंशज नहीं है, यह तो चरवाहे का काम करता है। आदिवासी गोवारी समाज संगठन ने राजेश पाठक जो भारतीय जनता पार्टी के विशेष आमंत्रित सदस्य है, 23 तारीख को वारासुनी विधानसभा में नवेगांव ख में जाकर गोवारी समाज के कार्यक्रम में जाके गोवारी समाज को अपमानित करने का काम किया, जिससे गोवारी समाज में मध्य प्रदेश की आदिवासी गोवारी समाज में बहुत आक्रोश है। आज वो आक्रोश के तहत गोवारी समाज ने पुतला दहन किया गया है और राजेश पाठक के ऊपर भी थाने में जाके हम लोग FIR दर्ज करेंगे। राजेश पाठक पे कार्रवाई होना चाहिए। हमारे समाज में जाके हमारे को उल्टा सीधा बोला जा रहा है। राजेश पाठक अपने समाज के बारे में बताए, हमारे समाज का इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं है। गोवारी समाज को श्री कृष्ण भगवान का वंशज बताया गया। गोवारी जाति को लबकी गोवारी जाति अनुसूचित जनजाति में आती है और 1869 से जब ब्रिटिश की सरकार थी यहाँ पे, हमारे पास सारे प्रमाण पर है और अनुच्छेद 342 में भी मध्य प्रदेश में गोवारी जाति अनुसूचित जनजाति में आती है। ये षड्यंत्र करके राजेश पाठक गोवारी जाति को श्री कृष्ण का वंशज बताया जा रहा है, जबकि गोवारी जाति श्री कृष्ण का वंशज नहीं है। तो श्री कृष्ण राजा महाराजा के घर के, गोवारी समाज का काम चरवाहे का काम है।